These mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 moons. ये दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के साथ पहले भी जंग कर चुके हैं, और वो जंग ब्लडी वॉर था। ब्लडी वॉर मतलब उसमें बहुत ही खून खराबा हुआ था, बहुत ही लोग मरे थे, जख्मी हुए थे। और कितनी देर तक चले थे वो? 36 मून्स तक, यानी 36 मून्स क्या कह सकते हैं हम, यानी मास तक। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में मून्स का दिया हुआ है। लिलीपुट यूज्ड अ स्मॉलर टाइम स्केल दैट वी डू। अ मून इज 28 डेज और अबाउट अ 12th पार्ट ऑफ अ ईयर। यानी एक मून का मतलब होता था 28 दिन, यानी जैसे कि नॉर्मली एक महीना होता है, तो इसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि 36 मंथ्स से, यानी 3 सालों से इनके बीच में जो है ये जंग चल रही थी। द वॉर बिगेन अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। अब ये लड़ाई जो है, ये जो जंग है, ये किस बात पर शुरू हुई? ये बहुत ही बड़ा मसला था इन लोगों के लिए, क्या कि अंडा जो है वो क्या छोटे साइड से तोड़ा जाए कि बड़े साइड से तोड़ा जाए। द एनिशियंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वॉज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। जो एनिशियंट प्रैक्टिस थी किनकी? लिलीपुट वालों की, वो यही थी कि वो किस साइड से अंडा तोड़ते थे? बड़े वाले साइड से। मगर बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंड फादर व्हेन ही वॉज अ बॉय हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर साइड, एंड सो द एम्परर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये इसका दादा था, किसका, जो आज जो एम्परर था, उसका जो दादा था, एक बार जब वो छोटा बच्चा था तब वो खेलते खेलते जब उसने अंडा बड़े साइड से तोड़ा तो उसका हाथ कट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो उसका फादर उस टाइम एम्परर था, यानी इसके दादे का फादर जो उस टाइम एम्परर था, उसने ये रूल बनाया कि आज के बाद कोई भी अंडा जो है वो बड़े वाले साइड से नहीं तोड़ेगा। देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट। वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ एंड अनदर हिज क्राउन इन दीज रिबेलियंस। क्या हो गया, इस बात पर जो ये नया रूल बन गया, इस रूल पर बहुत अपोजिशन हुई, लोगों ने इस रूल को नहीं माना, क्योंकि उनकी बुक्स में जो उनकी जो रिलीजियस बुक्स थी, मजहबी किताबें थी, उनमें यही लिखा था कि अंडे को किस साइड से तोड़ना है, बड़े साइड से। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मजहब को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इनके ऑर्डर को कम इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। और इस झगड़े में क्या हुआ कि एक एम्परर, यानी एक बादशाह ने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी, यानी वो मर गया, और दूसरा जो है उसको क्या किया गया, उसका जो तख्त है वो छीना गया, उसको तख्त से बेदखल किया गया। मैनी हंड्रेड बुक्स वर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग इंडियंस। तो क्या हो गया, कहता है कि अब जो गवर्नमेंट थी, जो एम्परर था, उसने अपनी बात की सफाई में, जो रूल बनाया उस रूल की सफाई में, बहुत सारी किताबें पढ़ी, छापी, लोगों को क्लियर करने की कोशिश की, लोगों को का शक दूर करने की कोशिश की, उनको ना उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वो किताबें नहीं पढ़ी। और उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग इंडियंस। तो क्या हो गया कि लोगों को ही मतलब बहुत सारी बुक्स किन्होंने ये गवर्नमेंट नहीं हो सकता है कि ये बुक्स जो है पब्लिश की हो, और जो रिबेलियंस थे, जो कि बागी थे, जो कि इस रूल को नहीं मानते थे, उन्होंने लोगों को ये किताबें पढ़ने नहीं दी। एट लीस्ट 11,000 पीपल सफर डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। लगभग 11,000 लोग इस दौरान मर गए, क्यों, क्योंकि वो अपने मजहब पर, अपने ईमान पर जो है मरना पसंद करते थे। उनको लगता था कि ये हमारे मजहब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बेइज्जती है, और वो बेइज्जती से ज़्यादा क्या आप चाहते पसंद करते थे, मरना।
Many rebels escaped Belfescu. The emperor of Belfescu gave them his sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput. अब कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे बागी भी थे जो डर के कहाँ भाग गए, बेलफेस्कु भाग गए, यानी अपने पड़ोसी मुल्क में भाग गए। और वहाँ जो पड़ोसी मुल्क का जो बादशाह था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया कि वो इस लिलीपुट पर कब्ज़ा करे। कैसे? उसने उन लोगों का सपोर्ट किया, उनको अपने घर में, अपने मुल्क में जगह दी और उनको जो वो चाहते थे उसके लिए और उनको भड़काया, उनकी गलत फहमी को दूर ना करके बल्कि उनको और भड़काया। नहीं, आप ठीक कर रहे हो, आपका बादशाह ठीक नहीं कर रहा है, उन्होंने आप पे जुल्म कर किया हुआ है, उन्होंने आपके मज़हब के साथ गलत किया है, वो ये, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उस बेलफेस्कु के एम्परर ने लिलीपुट के अंदरूनी मामलों में एक किस्म का क्या किया, दखल अंदाजी की। He frequently charged the Lilliputian emperor with causing a division in religion by encouraging people to disobey a basic teaching of their ancient religion, which is given in the 54th chapter of their holy book. वो जो ये बेलफेस्किन का जो जो एम्परर था, बादशाह था, वो उसने लिलीपुट के एम्परर पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उसने कहा कि जो ये बेलफेस्कु का जो ये लिलीपुटियन का जो एम्परर है, ये लोगों में दरार पैदा करना चाहता है। किस बात पर? मज़हब पर, मज़हब के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़वाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, उसने एक बेसिक टीचिंग जो उनकी किताब में दी हुई है उसको न मान के उसने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। और वो कहाँ दिया था उनकी बुक में? उनकी बुक में दिया था 54th चैप्टर में, जिसमें लिखा था ऑल बिलीवर्स शल